तो मेरे सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मोबाइल लिखने का अगर शौक है या फिर आपको इच्छा है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप की मोबाइल रिपेयरिंग की, तो आप मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में ही आइए। मैं किसी और इंस्टीट्यूट का नाम आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। खासतौर पर मेरे महाराष्ट्र के दोस्तों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखने की इच्छा है तो मैं आपको सिर्फ एक और एक ही नाम बताना चाहूंगा, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी गुजरात जामनगर। आणि खास करून माझ्या मराठी भावांसाठी, महाराष्ट्रातील मराठी भावांसाठी, भावांनो जर तुम्हाला मोबाईल रिपेअरिंग मध्ये मास्टर व्हायचं असेल तर एकच मॅक्सिमम टेक्नोलॉजी, दुसरा विषयच नाही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं महाराष्ट्र के इचलकरंजी गांव से आया हूँ। यहाँ मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में पिछले 15 दिनों से मैं रिपेयरिंग का काम सीख रहा हूँ। तो सर ने हमको ये डेड मोबाइल दिया है चेक करने के लिए कि ये किस वजह से डेड है, तो इसको रिपेयर का करने से पहले हम हमारे कुछ दोस्तों से मिल लेते हैं जो हिंदुस्तान के, भारत देश के पूरे बाहर स्टेट से आए हैं। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। मैं सूरज कर्मा खरगोन एमपी से मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में मोबाइल रिपेयरिंग सीखने आया हूँ सागरिया सज्जन सर के पास, जो चीप लेवल पर मोबाइल रिपेयरिंग सिखाते हैं अच्छे तरीके से। मेरा नाम हुसैन है, मुंबई बांद्रा से आया हूँ मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए। मैं राम कश्यप छत्तीसगढ़ से मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में पिछले 20 दिनों से मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहा हूँ, चिप लेवल का काम सिखाया जाता है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड, मैं शशांक सारंगपुरी यूपी से आया हूँ और मैं यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहा। मैं गुजरात मेहसाणा से हूँ, मेरा नाम रबारी लाल जी है और मैं जामनगर मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में संजय सर के पास मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेख कयूब है, मैं बेंगलुरु से आया हूँ, यहाँ पे संजय सर के पास आया हूँ चिप लेवल ट्रेनिंग के लिए, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित जैन, मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ आपको संजय सर के पास बहुत ही चिप लेवल तक काम सिखाया जाएगा। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज समीर गुप्ता और मैं फ्रॉम मुंबई। हेलो दोस्त, मैं नेपाल से आया हूँ, यहाँ इंडिया में मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में मोबाइल सीखने के लिए आया हूँ, मेरा नाम चेतना मिश्रा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खमार रोनक है, मैं गुजरात कलोल से आया हूँ मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार पटेल यूपी के प्रयागराज जिले से आया हूँ, मैं मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में मोबाइल रिपेयरिंग सीखने संजय सर के निर्देशन में हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीज सीख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे सर ने हमको एक J5 सैमसंग का J5 मॉडल रिपेयर के लिए दिया है और ये मोबाइल डेड कंडीशन में है, तो चलिए देखते हैं एक नई टेक्निक से इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले मोबाइल किस वजह से डेड है इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को बजर के रेंज में सेट करके इसको चेक करेंगे कि किस वजह से डेड है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मल्टीमीटर को बजर के रेंज में सेट करके इसको फॉरवर्ड बायस में चेक करते हैं तो रीडिंग कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ मल्टीमीटर में बजर बज रहा है। तो चलिए इसको हम फॉरवर्ड बायस में चेक कर ले, अब रिवर्स बायस में भी चेक करते हैं। अगर रिवर्स बायस में 250 तक रीडिंग आना चाहिए तो यहाँ से भी बीप का आवाज आ रहा है, इसका मतलब है कि मोबाइल फुल शॉर्ट है। तो अब हम इसको एक नई टेक्निक से, नए तरीके से इसको शॉर्टिंग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं शॉर्टिंग। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको पहले ही खोल के रखा है। तो चलिए दोस्तों इस मोबाइल को देखते हैं डीसी मशीन के जरिए कि ये कहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, मार्केट में ये दो प्रकार की डीसी मशीन आती है, ये डीसी मशीन है और ये एक डीसी मशीन है। ये मार्केट में अभी नई टेक्नोलॉजी से आई है। अगर हम इस डीसी मशीन पे चेक करेंगे तो इस पे हमें मोबाइल कहाँ पे शॉर्टिंग है ये नहीं बताएगा, लेकिन अगर इस डीसी मशीन पे चेक करेंगे तो इस डीसी मशीन में नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से कहाँ पे पार्ट शॉर्ट है और कहाँ गर्म हो रहा है ये हमें अच्छी तरह से बताएगा, मोबाइल कहाँ पे हीट हो रहा है। तो चलिए हम इस डीसी मशीन से
का एम्पियर 4.5 तक बढ़ा दिया है। अब एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे ही आप इसको बैटरी के कनेक्टर पे पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव लगाएंगे ये पार्ट ज़्यादा हीट हो गया अपने आप निकल जाएगा। ट्वीज़र की हेल्प से आपको इसको पार्ट को निकालना है, लेकिन निकलने के बाद तुरंत ही आपको ये डीसी मशीन मोबाइल में से हटाना है, क्योंकि एम्पियर का पावर ज़्यादा होने की वजह से आपके मोबाइल में कोई पावर पावर आईसी में बूस्ट कॉइल में कुछ भी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि एम्पियर बढ़ने से इस पार्ट को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि सिर्फ डीसी मशीन का एम्पियर बढ़ाने से हमने इस खराब शॉर्ट हुए पार्ट को यहां से एकदम आसानी के आसान तरीके से निकाल दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा यही पार्ट शॉर्ट था। तो ये देखिए दोस्तों, हम मीटर को बजर के रेंज में सेट करके इस पार्ट को चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट था, इसकी वजह से हमारा मोबाइल डेड था। ये बजर बज रहा है दोस्तों। तो चलिए अब हम मोबाइल में भी चेक करते हैं एक बार, क्या हमारा शॉर्टिंग हटा के नहीं। रेड प्रॉप को बैटरी कनेक्ट के पॉजिटिव पर, ब्लैक प्रॉप को बैटरी कनेक्ट के निगेटिव पे रख के चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये शॉर्टिंग हमारा हट चुका है। जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर जब हम चेक कर रहे थे फॉरवर्ड बायस में, तो ये शॉर्टिंग बता रहा था, बीप बता रहा था। अब हम उसको रिवर्स बायस में भी चेक करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रिवर्स बायस में चेक करने पर 250 से 600 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा शॉर्टिंग इस मोबाइल में से पूरी तरह से हट चुका है। तो चलिए दोस्तों, हमने इस मोबाइल की शॉर्टिंग को हटा दी, कि अब हम इसको डीसी मशीन के जरिए चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। लेकिन डीसी मशीन में कनेक्ट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमने इस एम्पियर मशीन में जो एम्पियर 4.5 तक बढ़ाया था, उसको हम कम करके फिर से 2.5 से 3 एम्पियर तक इसको कम कर देंगे फिर से। ज़्यादा एम्पियर की वजह से आपका मोबाइल में और कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, पावर ऐसे जल भी सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, 2 से 2.5 तक मैंने इसका एम्पियर सेट किया है। अब हम चेक करते हैं इसी डीसी मशीन से कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये हमने डीसी मशीन का रेड प्रॉब लगाया बैटरी कनेक्ट के पॉजिटिव पे और ब्लैक प्रॉब लगाया निगेटिव पे। तो जैसा कि आप डीसी मशीन पे चेक कर रहे हैं कि पहले हमारा ये मोबाइल डायरेक्ट रीडिंग दिखा रहा था, करंट ले रहा था और वोल्टेज जो है वो कम हो रहा था। अब हम इसको चेक करेंगे। ये किया हमने मोबाइल ऑन और ये देखिए दोस्तों, मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पे रीडिंग एकदम सही तरीके से पड़ा। तो देखा, जिस तरह से आपने देखा दोस्तों कि इस टेढ़ फोन को, शॉर्ट मोबाइल फोन को हमने किस तरह से बेरजो की मदद से हमने इसको रिपेयर किया एकदम आसान तरीके से, नई टेक्नोलॉजी के तरीके से। तो मैं दोस्तों आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी मैं छोटे मोटे काम किया करता था, लेकिन चीप लेवल का काम मुझे नहीं आता था। जब से मैं मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आया हूँ पिछले 15 साल में, मैं पूरी तरह से इसका बेसिक नॉलेज सीख चुका हूँ और अभी चीप लेवल का कोई भी हैंडसेट हो तो मैं उसको रिपेयर कर सकता हूँ। तो मेरे सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का अगर शौक है या फिर आपको इच्छा है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप की, मोबाइल रिपेयरिंग की, तो आप मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में ही आइए। मैं किसी और इंस्टीट्यूट का नाम आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। खास तौर पे मेरे महाराष्ट्र के दोस्तों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखने की इच्छा है तो मैं आपको सिर्फ एक और एक ही नाम बताना चाहूँगा, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी गुजरात जामनगर। थैंक यू।